कि जब पार्लियामेंट में बिल आया था जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था करने के लिए जो बिल आया था, उस वक्त मेरे बारे में कहा जा रहा है कि उस बिल का हमने विरोध किया था। हम यह कहना चाहते हैं, आप सब लोग बुद्धिजीवी लोग हैं, बिल कोई उपेंद्र कुशवाहा के घर में तो आया नहीं था, पार्लियामेंट में आया था। और पार्लियामेंट में जो कुछ भी हुआ वह हिंदुस्तान का दस्तावेज है, इतिहास है, कोई भी व्यक्ति उसके बारे में जानकारी ले सकता है, देख सकता है। हमने उस बिल का विरोध की बात तो छोड़ दीजिए, हमने उस बिल के समर्थन में वोट दिया था, पक्ष में मतदान किया था, समर्थन किया था। कोई व्यक्ति जो बोल रहा है साबित कर दे कि उपेंद्र कुशवाहा ने उस बिल का विरोध किया था, तो हम आज से राजनीति से संन्यास लेने के लिए तैयार हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी फोर्स टाइम और मैं हूं विकास चंद्रन। चिकित्सक और संप्रभु लोगों के द्वारा आज रोहतास जिला और औरंगाबाद जिले के लोगों ने आज उपेंद्र कुशवाहा के समर्थन में एक कार्यक्रम को आयोजित किया। क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा, आइए सुनते हैं। अनावश्यक ढंग से मेरे बारे में फैलाई जा रही है, हालांकि विरोधी पार्टी या विरोधी उम्मीदवार का अस्त्र होता है चुनाव में अफवाह फैलाना, तो अफवाह एक अस्त्र के रूप में विरोधी पार्टी की ओर से फैलाई जा रही है। और उसमें कहा जा रहा है कि जब पार्लियामेंट में बिल आया था जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था करने के लिए जो बिल आया था, उस वक्त मेरे बारे में कहा जा रहा है कि उस बिल का हमने विरोध किया था। हम यह कहना चाहते हैं, आप सब लोग बुद्धिजीवी लोग हैं, बिल कोई उपेंद्र कुशवाहा के घर में तो आया नहीं था, पार्लियामेंट में आया था। और पार्लियामेंट में जो कुछ भी हुआ वह हिंदुस्तान का दस्तावेज है, इतिहास है, कोई भी व्यक्ति उसके बारे में जानकारी ले सकता है, देख सकता है। हमने उस बिल का विरोध की बात तो छोड़ दीजिए, हमने उस बिल के समर्थन में वोट दिया था, पक्ष में मतदान किया था, समर्थन किया था। कोई व्यक्ति जो बोल रहा है साबित कर दे कि उपेंद्र कुशवाहा ने उस बिल का विरोध किया था, तो हम आज से राजनीति से संन्यास लेने के लिए तैयार हैं। लेकिन अनर्गल प्रचार, हम आपसे आग्रह करना चाहते हैं, प्रचार करने वाले तो करेंगे क्योंकि उनके पास कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है, तो प्रचार करने वाले करें, लेकिन आप लोग दिग्भ्रमित मत होइए। प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो हम सब लोगों के लिए बहुत ही खुशी का क्षण होगा। प्रधानमंत्री जी का स्वागत करने के लिए हम सब लोग तैयार हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जी जितने लोकप्रिय हैं, इतना लोकप्रिय आज तक कोई दूसरा प्रधानमंत्री नहीं हुआ था, तो वो हर आदमी उनकी एक झलक पाना चाहता है, तो स्वाभाविक रूप से हर जगह के लोग चाहते हैं कि हमारे घर में प्रधानमंत्री जी आए। तो हम सब लोगों के लिए, काराकाट लोकसभा क्षेत्र के लिए सौभाग्य की बात है कि उन्होंने समय दिया है, 25 तारीख को 10 बजे डेहरी ऑनसोन के सुवरा हवाई अड्डा के मैदान में आएंगे और हम सब लोग उनका स्वागत करेंगे। समाज के सभी वर्ग के लोगों का सपोर्ट है, हर तरह से, एक तरह से कहिए तो एनडीए के पक्ष में एक तरफा है, तो सपोर्ट तो है चारों तरफ से। क्या प्रधानमंत्री जी से बड़ा हीरो है क्या इस देश में या दुनिया में? दुनिया में नहीं है कोई, तो फिर हमारे प्रधानमंत्री जी से बड़ा स्टार, हमारे प्रधानमंत्री जी से बड़ा हीरो दुनिया के स्तर पर कोई नहीं। आप भारत और बिहार की बात क्या कर रहे हैं? किसको? अरे आपसे टक्कर है और किसी से हमारी टक्कर, बस आपसे टक्कर। इस बार मोदी जी का जलवा दिखेगा? जलवा दिखेगा, देखने लायक होगा, देखिएगा 4 तारीख। आपने काराकाट के उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा जी को सुना, उन्होंने बड़ी बेबाकी से पत्रकारों को जवाब दिया और 25 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के होने वाले कार्यक्रम का लोगों को न्योता भी दिया और साथ ही एक वीडियो जो ईडब्ल्यूएस के बारे में बताया फैलाई जा रही है और बताया जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा जी ईडब्ल्यूएस के विरुद्ध में वोटिंग सदन में किए थे। उन्होंने ये दावा किया और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति ये साबित कर देता है कि अगर वो ईडब्ल्यूएस के समर्थन में नहीं थे तो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। इनके दावों में कितना है दम, 1 जून के होने वाले चुनाव के बाद ही पता चल पाएगा कि लोग इनकी बातों को कितना लेते हैं।
सिटी बस ड्राइवर पीटीएन न्यूज आप सभी दर्शकों से अनुरोध करता है कि लोकतंत्र के महापर्व का हिस्सा बने, मतदान जरूर करें। इस खबर में बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद।